दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवार, ओपनहाइमर। अगर आपने नहीं सुना तो जान लीजिए। हॉलीवुड की 21 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म पूरी दुनिया में धमाल मचा रही है। ये फिल्म किसके बारे में है और इस फिल्म के पोस्टर के साथ तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने क्या किया, इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ। आप जानते हैं दोस्तों, संसद के सत्र में विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि केवल मणिपुर पे बहस नहीं, प्रधानमंत्री संसद के अंदर आएं, दोनों सदनों में बयान दें मणिपुर के मामले में, उसके बाद ही प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मणिपुर के मामले में कोई चर्चा हो सकती है। इसीलिए इसी को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ये देखिए एक पोस्टर जारी किया एक फिल्म का। और ये फिल्म ही उन्होंने क्यों चुनी, इसी फिल्म का पोस्टर क्यों चुना, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इस पोस्टर में क्या पोस्ट किया है महुआ मोइत्रा ने, आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बीच में खड़े हैं और उनके आसपास आग की लपटें लगी हुई हैं, मतलब आग सुलग रही है। नीचे लिखा है, अ फिल्म बाय द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि एनडीए द्वारा बनाई गई फिल्म। नीचे लिखा है मोडनहाइमर, मतलब ओपनहाइमर फिल्म का नाम है, ओपन हटाकर यहां पर मोदी जी का नाम जोड़कर मोडनहाइमर कर दिया गया। नीचे 5/3/2023, ये वो तारीख है जब मणिपुर में आग सुलगनी शुरू हुई थी। इसके नीचे बाबा मोइत्रा का ये ट्वीट लिखता है, द मैन बिहाइंड मणिपुर्स अनडूइंग, मणिपुर में जो भी गलत हुआ ये इंसान उसके पीछे है। ये इंसान कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके ऊपर, पोस्टर के ऊपर, पीएम की तस्वीर के ऊपर, इस फिल्म के सह कलाकारों का नाम भी ऊपर लिखता है। पीएम मोदी का नाम तो इसमें है ही, स्मृति ईरानी का नाम भी है, अमित शाह का नाम भी है, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का नाम भी है और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का भी नाम है। यानी कि महुआ मोइत्रा के हिसाब से मणिपुर में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसके लीड रोल, उसमें जो मेन रोल अख्तियार किया है वो पीएम मोदी ने किया है और उसमें जो सह कलाकार हैं वो स्मृति ईरानी, अमित शाह, बीरेन सिंह और रेखा शर्मा है। तो फिर ये फिल्म ही क्यों चुनी गई महुआ मोइत्रा द्वारा? दोस्तों, ओपनहाइमर ये फिल्म 21 जुलाई को रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को क्रिटिक्स ने जबरदस्त तरीके से बहुत तारीफ की है इस फिल्म की। दोस्तों, ये फिल्म आधारित है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर पर। रॉबर्ट ओपनहाइमर वो पहले साइंटिस्ट हैं जिनकी अगुवाई में अमेरिका के न्यू मैक्सिको में पहला एटॉमिक टेस्ट हुआ था। उस पहले एटॉमिक टेस्ट को देखकर कैसे ओपनहाइमर आगे बढ़े और कैसे पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स मिले, इसी को लेकर ये फिल्म है। और ओपनहाइमर को लेकर इतिहास बहुत ही मिला जुला रहा है। बहुत सारे लोग इन्हें हीरो मानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें विलन भी मानते हैं। अब दोस्तों, ये फिल्म तो मैंने देखी नहीं है तो मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकती कि फिल्म में एग्जैक्टली क्या है और पीएम मोदी को क्या दिखाया गया है। लेकिन बीजेपी के मणिपुर के विधायक एक इंटरव्यू में जिस तरह से खुलकर बोले हैं और उन्होंने बताया है कि पीएम मोदी अमेरिका चले गए, मणिपुर के हालात में वो बात करना चाहते थे, उनसे बात किए बगैर अमित शाह भी इस पूरे मामले में फेल कर गए, इसीलिए विपक्ष कुछ इस तरह से मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर पीएम मोदी को सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में मणिपुर में जो मेन कल्प्रिट हैं, जो सबसे बड़े गुनहगार हैं, वो पीएम मोदी हैं। आप तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के ऐसे ट्वीट और ऐसे पोस्टर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, मेरे इस फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का भी जरूर इस्तेमाल करें।